हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर राहुल शर्मा। आज है 30 डेज के चैलेंज का डे 4 और आज हम करेंगे कार्डियो एंड एब्स। यहां पर आप कार्डियो में सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे ट्रेडमिल, जिसमें आप करेंगे 1 मिनट वॉक और 1 मिनट रन। मेक श्योर उससे पहले आप 1 से 2 मिनट वॉक जरूर करें ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए। आप स्ट्रेच जरूर करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई इंजरी ना हो। सो यहां पर जब आप स्पीड बढ़ाएं तो ध्यान रखें कि आप उस स्पीड से कंफर्टेबल हों। अननेसेसरी ज्यादा तेज स्पीड पर भागने का कोई मतलब नहीं है। सो 1 मिनट तक जो आप रन करेंगे वो बहुत नॉर्मल स्पीड पर होना चाहिए, 10 या 8 के स्पीड पर, अगर आप ज्यादा तेज नहीं भाग पाते तो। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, सो मेक श्योर आप आराम से इसे 15 मिनट तक परफॉर्म करें, 1 मिनट वॉक करें और 1 मिनट रन करें। सो कार्डियो में हमारी अगली एक्सरसाइज है साइकिलिंग। हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक ये सब की है और पता है कि कैसे करते हैं। सो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। आप ये 20 मिनट करेंगे और इसमें लेवल आप 4-3-4 के आसपास रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और आपके लेग्स पर एक प्रेशर होगा, तो आपको ये एक्सरसाइज करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको थकान जल्दी हो जाती है या आप शुरू में ये ढंग से नहीं कर पाते हैं तो मेक श्योर आप थोड़ा स्पीड कम कर लें, लेकिन आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट जरूर करें। सो कार्डियो की नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रेडमिल अगेन, बट इन अ डिफरेंट स्टाइल। सो यहाँ पर हम फुल इंक्लाइन रखेंगे ट्रेडमिल को, मतलब ऑलमोस्ट 15 का लेवल, और वहाँ पर आप स्पीड जो है 5.5 से 6 तक आप ये रखेंगे। कंफर्टेबल रहें स्पीड के साथ, जो भी आपको लगता है कि स्पीड अगर आप ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं उससे, सो 5 भी आप रख सकते हैं। अगर आप 6 से कंफर्टेबल हैं तो 6 की स्पीड पर आप वॉक करें। डोंट फॉरगेट टू हाइड्रेट योर सेल्फ। अगर आप BCAA ले रहे हैं तो BCAA लीजिए, नहीं तो पानी आप जरूर पीजिए, ये बहुत जरूरी पार्ट है। अब हम करेंगे मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज एब्स। एब्स में सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है बाइसिकल क्रंचेस। इसके 3 सेट और हर एक सेट में 15 रिपीटेशंस होंगे। ये बहुत ही स्लोली और आराम से परफॉर्म करनी है। देखिए किस तरह से एक रिदम के साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ,
इस तरह इस रिदम को पकड़ कर आपको एक्सरसाइज करना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टो टचर। इसके 3 सेट करेंगे, 15 रेपिटेशंस ईच सेट। यहाँ पर पैरों की पोजीशन आपको 90 डिग्री एंगल पर रखनी है। अगर 90 डिग्री नहीं हो पाता है तो आप जितना ऊपर ला सकते हैं उतना ऊपर लाएं। मेक श्योर आपका फोकस आपके अपर एब्स पर हो और आप अपने टोस को टच करें। इसके बाद हम स्टेबिलिटी बॉल पर करेंगे एब्स की 3री एक्सरसाइज। यहाँ पर बहुत लाइट वेट आपको लेकर पूरा धीरे से उसको पीछे लेकर जाना है और कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने अपर एब्स पर ऊपर की तरफ पुश करना है। अगर आपसे ये एक्सरसाइज नहीं हो पाती है स्टेबिलिटी बॉल पर तो आप नॉर्मल फ्लोर पर लेटकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेक श्योर आप जब तक कंफर्टेबल ना हो वेट्स के साथ ये बिना वेट के ही आप परफॉर्म करें। अगर आप वेट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो ज़बरदस्ती उनके साथ ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लोर पर लेट कर भी ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। अब हम करेंगे एब कर्ल जिसमें होंगे 3 सेट, 15 रिपीटेशंस ईच सेट। तो यहाँ पर ग्रिप प्रॉपर बनाकर नीचे घुटनों के बल बैठें और नेचुरल मूवमेंट के साथ नीचे जाएं। जब आप इस नेचुरल मूवमेंट के साथ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रेशर फील होगा अपने अपर एब्स पर। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वेट आप प्रॉपरली एडजस्ट करके रखें, मॉडरेट वेट रखें, ज़्यादा वेट पर फोकस ना करते हुए फॉर्म पर फोकस करें। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके एब्स को हिट करने के लिए। हमारे डे 4 की फिनिशिंग एक्सरसाइज है प्लैंक। इसमें ज्यादा नीचे ना जाएं, ज्यादा ऊपर ना उठाएं खुद को, एक मिड रेंज पर होल्ड करें। 30-40 सेकंड आपको इसमें होल्ड करना है, 3 सेट आपको इसके करने हैं। अपने कोर एरिया पर कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। मेक श्योर ज्यादा जर्की मूवमेंट आप ना करें इसमें। ये था आज का डे 4 कार्डियो एंड एब्स। आई होप आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा और आप लोग 30 डेज का प्रोग्राम कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज डू ज्वाइन दिस 30 डेज चैलेंज और अपने आप को करें चेंज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो नाउ। Take care of yourself, stay blessed, stay safe, and keep on exercising.